दोस्तों, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, मैक्सिमम टाइम आपको लॉस इसलिए होता है क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है आप कॉल को खरीद लेते हो और वहीं से मार्केट नीचे गिरता है, आपका स्टॉप लॉस सेट करता है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है आप पुट को खरीद लेते हो, वहीं से मार्केट ऊपर जाता है आपका स्टॉप लॉस सेट करता है। ऐसा ही आपके साथ होता होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें कॉल और पुट दोनों लेके भी हम लोग ने प्रॉफिट बनाया हुआ है। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, हम लोग यहां पे प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं किस तरीके से ये वर्क होती है। यहां पे देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। यहां पे बैंक निफ्टी में 19 जून को एक्सपायरी डे था, यहां पे हम लोगों ने कॉल और पुट दोनों को खरीदा हुआ है। 121 रुपए का जो पुट है वो 353 रुपीस हो चुका है, 109 का जो कॉल है वो 13 रुपए हो चुका है। लॉस को माइनस करने के बाद भी हम लोग 2000 रुपए प्रॉफिट में यहां पे है। उसके अगली एक्सपायरी अगर आप देखोगे, यहां पे देखिए 26 जून की एक्सपायरी है, यहां पे 104 रुपए का पुट हम लोगों ने लिया है जो 10 रुपए हो चुका है, 120 रुपए का कॉल 426 रुपए तक जा चुका है। मतलब यहां पे लॉस को माइनस करने के बाद 3170 का प्रॉफिट फिर भी बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट यहां पे कितनी है, मात्र 3300 के आसपास इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। अगली एक्सपायरी देख सकते हो, 12 जून को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहां पे देखिए हमारा लॉस हुआ है 650 रुपए का लॉस यहां पे हुआ है। 117 रुपए का जो पुट है वो 58 हो चुका है, कॉल जो है 121 का वो 137 हो चुका है, तो यहां पे हमारा लॉस हुआ है। उसके अगली एक्सपायरी को अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए 5 जून की एक्सपायरी है, यहां पे 111 रुपए का पुट है वो 42 हो चुका है और 106 रुपए का कॉल 272 हो चुका है। मतलब यहां पे 1465 रुपए का प्रॉफिट एक लॉट में ट्रेड करके बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितनी थी, मात्र 3200 रुपए की। अब दोस्तों आपको लगेगा सिर्फ बैंक निफ्टी में हो रहा है, मैं आपको निफ्टी का भी दिखाता हूं। यहां पे निफ्टी में देख सकते हो 4 जुलाई की निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहां पे 36 रुपीस का पुट है, 110 हो चुका है, 49 रुपीस का कॉल है जो 11 रुपए हो चुका है, माइनस प्लस करके 913 रुपए का प्रॉफिट यहां पे बना है। निफ्टी की और एक एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए 51 रुपीस का जो पुट है वो 93 हो चुका है और यहां पे 51 रुपीस का कॉल 29 हो चुका है, माइनस प्लस करके फिर भी 500 रुपए का प्रॉफिट निफ्टी में बन चुका है। दोस्तों कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी है। इस स्ट्रेटजी को कैसे करना है, कॉल और पुट को कैसे चुनना है, कितने बजे इसे लेना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट को खरीदना है, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। एक्सपायरी डे की ये स्ट्रेटजी देखने के बाद आप भी कॉल और पुट दोनों को लेके ट्रेड कर सकते हो। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करो और अगर लाइव ट्रेड चाहते हो तो कॉमेंट्स में लाइव ट्रेड जरूर लिखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप दोस्तों आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। दोस्तों स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग जो ट्रेड बनाई थी उसमें 140 पॉइंट्स का टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया। देखिए मेरी ऑर्डर बुक को चेक कर सको, यहाँ पे देखिए 322 में मैंने एंट्री बनाई और 463 में एग्जिट किया। अगर मैंने यहाँ पे बुकिंग नहीं किया होता था तो ये और 200 पॉइंट्स ऊपर चले गया था। बट एनीवेज कोई रिग्रेट नहीं, हमारा टारगेट भी यहाँ पे डिसाइडेड था, एंट्री भी डिसाइडेड था। मैंने इसका जो एनालिसिस है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया था। ये देखिए सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने इस ग्रुप पे मेरी जो व्यू है मेरा इसके बारे में शेयर किया था। ये देखिए बैंक निफ्टी, निफ्टी जो लोग यहां पे कनेक्टेड है वो इन सब चीज का फायदा उठा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरा एनालिसिस का वीडियो, इसको एक बार देख लीजिए मैंने एनालिसिस में क्या कहा था सुबह सुबह। एसएल एंटिंग के अकॉर्डिंग आज किस तरीके से काम कर सकते हो, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे बायर सेलर दोनों अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे से बहुत अच्छी बाइंग मार्केट मिल रही है। ये बायर अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, इसको डायरेक्टली टारगेट हम लोग नहीं कर सकते। अगर मार्केट में हमें गैप अप मिल जाता है तब यहाँ पे जो सेल करके गया है उसके एसएल को टारगेट करने के लिए अपसाइड की ट्रेड प्लान करेंगे और जो बायर वो सेफ हो जाएगा गैप अप केस में। अगर फ्लैट टू गैप अप होता है तब भी बाइंग का प्लान रखेंगे, अगर छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है तब भी बाइंग का ही प्लान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे गैप डाउन में देखिए क्लियरली मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट में गैप अप होता है, फ्लैट टू गैप अप होता है तो बाइंग साइड का प्लान रखेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक था ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। कितने लोगों ने देखा है वीडियो को, 223 लोगों ने। देखिए जितने ज़्यादा लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा होता था डेफिनेटली उनको इसका बेनिफिट मिलता था। अब देखिए जिन्होंने देखा उनको तो बेनिफिट मिला, अब मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बेनिफिट। देखिए ये हम लोग ने यहाँ पे शेयर भी किया था मैंने कि कैसे मैंने एंट्री बनाई, कैसे मैंने एग्जिट किया। अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या किया, सेलर को पहले ट्रैप किया, डाउन साइड की मोमेंटम करके उसके बाद मार्केट अपसाइड भागा है। और क्या भागा है मार्केट,
दो लॉट के अंदर हम लोग ने ट्रेड किया था, बहुत ज़बरदस्त। मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ लेकिन हमारा व्यू क्लियर था, डायरेक्शन क्लियर था कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाएगा। जो लोग भी यहाँ पे सेल करके बैठे हैं उनके SL को हिट करने के लिए मार्केट ने आज अपसाइड की मोमेंटम कर दी। और इसके बारे में देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर देखिए, अगर आप चैनल के ऊपर जाओगे तो मैंने दोपहर को ही एक लाइव ट्रेडिंग सेशन लिया था, लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने ये सारा एनालिसिस शेयर किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं इस वीडियो में वापस से वही चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इस SL एंटिंग का जो वीडियो है सेलर स्ट्राइप इसको जाके चेकआउट करो, इसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ, किस तरीके से आपको आज की स्ट्रैटेजी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इस SL हंटिंग कोर्स को सीखना चाहते हो तो ये चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रेड स्विंग्स यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाना है, यहाँ पे ज्वाइन बटन दिया है, ज्वाइन बटन को दबाते ही आप चैनल के प्रीमियम मेंबर बन जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे होम सेक्शन में थोड़ा सा नीचे आना है और मेंबर ओनली वीडियोस में आपको पूरा SL हंटिंग का कोर्स डिटेल में सीखने मिल जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा कोर्स आपके लिए दिया हुआ है, जो लोग यहाँ पे देख चुके हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि गैप डाउन मार्केट में क्या करना चाहिए, गैप अप मार्केट में क्या करना चाहिए। अगर ज्वाइन नहीं किया है अभी के अभी ज्वाइन कर दो, वन टाइम आपको ये कोर्स मैंने बना के दिया हुआ है, आप जाके इससे सीख सकते हो। एवरी डे मैं लाइव आता हूँ ताकि आप लोगों को SL हंटिंग का नॉलेज दे सकूँ। तो ये देखिए, ये लिक्विडिटी वाला वीडियो है, SL हंटिंग कोर्स वाला आज का वीडियो है, ये पहले का वीडियो है और आज भी मैंने वीडियो डाला हुआ है जो आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए आज के स्ट्रेटेजी के तो आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। अब देखिए आपको करना क्या है, करना क्या है देखिए, आपको यहाँ पे ये सिम्युलेटर है एल्गो टेस्ट का, अगर नहीं है तो आप ढूंढ सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मैं लिंक भी दे दूंगा, आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये जो फीचर है सिम्युलेटर का इसको आप यूज़ कर सकते हो, ये फ्री है। और इसमें दोस्तों देखिए कैसे होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग को कॉल और पुट दोनों ख़रीदना है, एक्सपायरी डे के दिन ही ख़रीदना है, बाकी दिन इसे करने मत जाइए। और स्ट्रैटेजी बताने से पहले एक चीज़ आपको डिस्क्लेमर के तौर पे देना चाहूँगा, देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मैं कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी आपके साथ स्टॉक शेयर करता हूँ तो वो सिर्फ एजुकेशन नॉलेज पर्पज़ से करता हूँ, मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं है कि आप उसमें हैवी पोजिशंस बनाओ। आप पहले प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी लॉस होगा, पेपर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस नहीं होगा, एक लॉट से ट्रेड करोगे तो लॉस भी कितना होगा या एक क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो भी कितना लॉस होगा, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे इसे करो। अगर आपको इसमें सफलता मिलती है तो जाके आगे आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यहां पे आप देख सकते हो हम लोग को 10 बजे, कितने बजे मैं आपको एक करके दिखाता हूं, फिर हम लोग जाते हैं। यहां पे देखिए 19 जून की एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी की थी तो मैं इसी दिन का आपको चेक करके बोलता हूं, इसको पहले क्लियर करता हूं। ये देखिए अब हमें जाना है 19 जून को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, टाइमिंग लेना है आपको 10 बजे का, सुबह 10 बजे का टाइमिंग आपको करना है। तो देखिए 19 जून को 10 बजे ऑप्शन चेन में, 19 जून आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे 109 रुपये। अभी आपको करना क्या है, 100 रुपये का कॉल और 100 रुपये का पुट। अगर 100 रुपये का नहीं मिल रहा है तो 110-115 का कॉल या पुट आप ले सकते हो, दोनों थोड़े अलग अलग चलेंगे लेकिन एक 140 दूसरा 90 ऐसा नहीं चलेगा, एक 110 है दूसरा 125 है, एक 90 है दूसरा 104 है, ऐसा कुछ डिफरेंस बीच में 15-20 पॉइंट्स का डिफरेंस चल जाएगा। ओके, 109 का मैं एक कॉल ले रहा हूँ और यही पे मैं देख रहा हूँ मुझे कौन सा मिल रहा है, तो देखिए 121 वाला मुझे सही लग रहा है। दोनों की जो टोटल है वो 220-230 के आसपास आनी चाहिए। अब आप कैलकुलेट कर लो, बैलेंस होना चाहिए। ओके, लॉजिक क्या है उसको ढूंढने के पीछे मत लगिए, मैं जो बताता हूँ उसको आप देखिए पहले। 220 रुपये के आसपास टोटल होनी चाहिए। देखिए अभी मैंने दोनों को ऐड किया है, कितनी हो गई, 200-221 और 230 की टोटल हो गई, राइट 230 हो गया। अब आपको क्या करना है, जब भी जो LTP है, जो प्राइस चल रही है किसी भी कॉल या पुट की, आपको 230 अगर कहीं एक जगह पे दिख जाता है आपको मार्केट से निकल जाना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है बुक कर लेना है। देखिए प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वहाँ पे बुक करके निकल जाना है। 230 का टारगेट आपका है, टारगेट मिल गया आपको, टारगेट मिल गया इसमें, राइट निकलना कब है समझ गए। लॉस का टारगेट क्या है, देखिए लॉस में आपको देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,400 रुपये का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। मैक्सिमम लॉस क्या होता है, मैक्सिमम लॉस होता है कि आपको 3,400 रुपये से ज़्यादा तो लॉस हो नहीं सकता क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही उतना है आपका, कैपिटल ही उतना लगाया है, तो लॉस 4,000 कैसे होगा,
बात को समझिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस उतना है। अब आपको इसका आधा या 1000 आप टारगेट रख के चलिए कि 1000 का लॉस अगर आपको दिखता है तो आप दोनों पोजीशन से एग्जिट ले लो, क्योंकि उतना ही आपका कैपेसिटी होगा। एक लॉट में 1000 का लॉस दिखता है तो निकल जाओ। कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मैं जो रिजल्ट्स आपको दिखा रहा हूँ ये बैक टेस्टेड रिजल्ट्स है, पिछले एक्सपायरीज के रिजल्ट है, तो मे बी अगली आने वाली कल की एक्सपायरी परसों की एक्सपायरी वैसे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने पोजीशन बना दिया 10 बजे के आसपास। अब मैं 5 मिनट से आगे जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट से आगे जाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और 5 मिनट से आगे गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे हमारा जो टारगेट है 230 का है अभी। हाँ ये देखिए क्या हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे पुट है 227 हो चुका है। अब आप थोड़ा सा और आगे ले लो, अब देखिए यहाँ पे 5 ही मिनट से मैं आगे गया, आप देख सकते हो यहाँ पे 230 का टारगेट था, 302 हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ 1 घंटा 2 घंटा नहीं रुका हूँ, सिर्फ 5 मिनट रुका हूँ, कितना मिला मुझे 302। आपको देखना है कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको, अगर प्रॉफिट भी डिसेंट मिल रहा है, एक ही लॉट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो देखिए 2700 रुपये का पुट का प्रॉफिट बना है, कॉल का लॉस कितना बना है 1400 रुपये, दोनों को माइनस प्लस करके भी 1200 का प्रॉफिट बना है भाई, तो अच्छी बात है। एक लॉट में 1200 बना है तो बहुत अच्छा बना है, मतलब 10 लॉट में 12000। लेकिन लॉट्स को बढ़ाना नहीं है, मैं किसी भी चीज़ में या किसी भी प्रकार से आपको लॉट ज़्यादा लेने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हो सकता है कि आप पहली बार करो और आपको लॉस हो जाए। ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता, देखते हैं वीडियो जाके तुरंत कर लेते हैं, भाई पहले प्रैक्टिस तो करो। मैं तो स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ लेकिन ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं कि आप जाके लाइव में 10-15 लॉट ले लो, भाई पहले ही लॉस कर लोगे फिर आके यहाँ पे गाली दोगे सर आपने कौन सी स्ट्रैटेजी बताया मुझे तो बड़ा लॉस हो गया। भाई बड़ा लॉस क्यों करो, प्रैक्टिस तो करो, पहले देखो टेस्ट करो। ओके तो देखिए कॉल और पुट लेके यहाँ पे प्रॉफिट बना है, आगे मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए अगर और आगे जाते थे तो देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, वो तो होना ही है। देखिए 1700 प्रॉफिट बढ़ गया, 1700 हो गया, ओके 2400 1100, देखिए 1000, ओके अब देखिए अभी भी सस्टेन कर रहा है, देखिए अभी लॉस में चले गया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें अलर्ट रहना है, और डिफरेंस का जब भी आपको दिख जाता है कि प्रॉफिट मिल गया तो आपको निकल जाना है। चलिए और एक एक्सपायरी टेस्ट करते हैं यहाँ पे देखिए, तो 26 जून की एक्सपायरी को टेस्ट करते हैं। पहले तो 10 बजे जाते हैं, ओके 10 बजे जाते हैं, तो देखिए 10 बजे मैं गया, ओके 0 हो गए। अब देखिए ऑप्शन चेन में जाना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 बजे 26 जून की एक्सपायरी, 120 रुपये का कॉल मैंने लिया है और पुट मैंने लिया है 104 रुपये का। तो ऐसा करके देखिए दोनों की टोटल हो रही है 224 225। जब भी आपका 225 क्रॉस होता है आपको, आपके ऊपर है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, आपको एसएल ट्रेल करना है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं 5 मिनट से आगे जाता हूँ, फिलहाल तो यहाँ पे टारगेट के नज़दीक नहीं है, तो वेट करेंगे, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पे 300 400 के 600 के पास भी लॉस गया है, तो वेट करना है। हमारा एसएल का टारगेट भी है, मैंने क्या कहा 1000-1500 के आसपास एसएल आप रख सकते हो, क्योंकि 3300 की इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा तो लॉस होने वाला नहीं है। थोड़ी हिम्मत तो आपकी आपको रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए भाई साहब आप पहुँच गए हो 318, मतलब टारगेट तो हो चुका है, टारगेट क्या था आपका, ओके मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ 302, देखिए आपका टारगेट था 224, ये उससे आगे निकल चुका है, राइट 224 के काफ़ी आगे निकल चुका है। ये देखिए ये आपका आपका टारगेट कहाँ पे गया, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो 224 के ऊपर, मतलब ये आपका टारगेट हो चुका है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है, देखिए आप रिस्क आपके ऊपर है, मैं आपको कहूँगा कि देखिए अगर ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है मार्केट में ये ज़्यादा ही कम हो चुका है पुट, ये कभी कभी थोड़ा और बाकी रहता है, ये इतना फटाफट से कम नहीं होता, अगर ये फटाफट से कम नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा दिखेगा। बट एनीवेज थोड़ा 5 मिनट से रुकेंगे, ओके तो देखिए 5 मिनट और रुकने पे आपका यहाँ पे 2100 का प्रॉफिट हो चुका है, ये बढ़ चुका है 350 से। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखिए 2100 रुपये का प्रॉफिट बन चुका है। क्या अलग किया मैंने, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे और एक एक्सपायरी का देख लेते, और जितनी एक्सपायरीज को देखोगे, देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेट हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10:48 पे ही हमारा जो लॉस है। अभी आप बोलोगे तो इसमें स्टॉप लॉस कोई लगाया तो नहीं है, हमें दिमाग में रख के चलना है। तो देखिए मुझे अगर सिचुएशन दिख रही है कि मार्केट में दोनों प्रीमियम कम हो रहे हैं, बढ़ने का तो नाम नहीं है लेकिन दोनों प्रीमियम घट रहे हैं, जैसे ये 121 था तो ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये 117 था
इसमें बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। चलिए मैं थोड़ा वेट भी करता हूँ, तो अगर आप देखोगे 1000 रुपये, देखिए हो गया मेरा लॉस, लॉस का लिमिट रीच हो चुका है, मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। हमें रुकना नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दोनों भी लॉस में जा रहे हैं, प्लस 10:53 हो चुके हैं, अभी भी प्रॉफिट का कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पे आप निकल सकते हो। हो सकता है बाद में प्रॉफिट भी दे, लेकिन आपको कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको मार्केट में डिसीजन लेना पड़ेगा कि निकलना है रुकना है, तो ये मैंने निकलने का डिसीजन ले लिया। अब और एक एक्सपायरी को जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और 5 जून की एक्सपायरी है, तो देखिए 15 मिनट में ही आपका टारगेट डन हो चुका है। तो मैं 10 बजे का चार्ट लेके जाता हूँ, 10 बजे आप देखिए 5 जून 10 बजे और 111 और 106, ऐसे दो कॉल और पुट को हम लोगों ने यहाँ पे एक एक लॉट लिया हुआ है। अगर आप देखोगे मैं सिर्फ 5 मिनट से आगे जाता हूँ, तो देखिए 5 मिनट में ही हमारा जो टारगेट कितना है, अभी पहले तो देखिए 211 और 217 का टारगेट है, तो और 5 मिनट से आगे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे 217 की जगह 236 हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टारगेट अचीव हो गया है। एक मिनट से और आगे जाके देखते हैं, 900 देखिए 1000 रुपये का राउंड फिगर, 1300 रुपये हो चुका है, 1153 1100 1400 का प्रॉफिट, देखिए 1400 1200, तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, इसके पहले भी बुक कर सकते हो, आपके ऊपर है। देखिए मैं समराइज़ एक बार करता हूँ ताकि आपको अगर नहीं समझाए, 10 बजे आपको यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को लेना है। ऑप्शन चेन में से अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो 100 रुपीज़ की टोटल दोनों की 220-230 के आसपास टोटल होनी चाहिए, और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड मत करो, ओके। अगर मिल रहा है तो इसी रेंज में मिलना चाहिए, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक 100 रुपये का है तो दूसरा 120 का ही होना चाहिए, 15 से 20 पॉइंट का ही डिफरेंस दोनों में होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ओके। दूसरी चीज़, टारगेट जो है दोनों की टोटल होगी, दोनों कॉल और पुट की जो टोटल होगी वो आपका टारगेट होगा, कॉल या पुट में किसी एक में भी आपको मिल जाता है आपको निकल जाना है। लॉस की लिमिट आपको 1000 रुपये एक लॉट के ऊपर रखनी नहीं है, 1000 रुपये होनी चाहिए, 1000 से कम ही आपको लॉस लेके निकल जाना है। दिख रहा है अगर लॉस हो रहा है तो निकल जाना है, ज़्यादा टाइम तक रुकना नहीं है, 12 बजे के पहले टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, लॉस ही दिख रहा है, दोनों में रेड रेड दिख रहा है, निकल जाना है, फोकट का लॉस में मत बैठो, डीके की वजह से एक्सपायरी में बड़ा लॉस भी हो सकता है, ओके। बड़ा लॉस तो कैसे होगा, एक लॉट में बता रहा हूँ, ज़्यादा लॉट से करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बट देखिए मैक्सिमम लॉस एक लॉट के अंदर अगर आप कर रहे हो, एक लॉट कॉल एक लॉट पर, तो मैक्सिमम 3200 के ऊपर लॉस नहीं जाएगा, इतना ही लॉस है, जो यहाँ पे मैक्स लॉस दिख रहा है ना वही आपकी इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा तो आपको होगा नहीं। हमें अगर इसको डबल कर दो, दो दो लॉट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6400 का लॉस, वो हो सकता है डबल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ओके। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या करना है, तो देखिए निफ्टी में मैं टाइमिंग भी सेम रहेगा निफ्टी में, तो 10 बजे कर देता हूँ टाइमिंग, देखिए 10 बजे और इसको क्लियर करता हूँ, ओके। अब देखिए ऑप्शन चेन में जाते हैं, 4 जुलाई की एक्सपायरी है, तो निफ्टी में आपको जो लेने हैं तो वो 50-50 के आसपास लेने हैं, तो हो सकता है कभी 45 का मिले, कभी 60 का मिले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 49 का एक लिया मैंने और दूसरा मैं 64 का लेता हूँ, यही मुझे थोड़े ठीक लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी आपकी देखिए 1500 के आसपास यहाँ पे है, तो मैक्सिमम लॉस 1500 का होगा, तो अगर आपने इस पे 500 भी बना लिए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ना चार्ट देखा है, ना एनालिसिस किया, ना कुछ नहीं किया है, तो एक लॉट में 500 भी मिलता है तो भी बड़ी बात है, इन्वेस्टमेंट ही 1500 की है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं 5 मिनट से आगे जाता हूँ, आपका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट 100 रुपये के आसपास या 90 के ऊपर, अगर कोई भी कॉल या पुट 90 के ऊपर जाता है ना तो भी निकाल दो, एक्सपायरी डे है भाई, ज़्यादा भी लालच नहीं करना है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 मिनट से आगे जाता हूँ, तो अभी भी देखिए यहाँ पे हमें, हाँ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 97 हो चुका है, जो कॉल है वो 49 से 27 हो चुका है, तो यहाँ पे 500 का लॉस। तो चलिए यहाँ पे देखिए भले ही कम प्रॉफिट है, थोड़ा मैं और आगे जाके देखता हूँ कि क्या ये क्रॉस करता है, तो देखिए 99 हो चुका है, देखिए 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट बन रहा है। अभी देखिए कैसे ये निफ्टी है, निफ्टी में आपको ज़्यादा बड़ा देखिए 500 का प्रॉफिट, मैंने टारगेट क्या बोला था 500 का प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए 111 100 रुपये के आसपास। जो भी आप एक तो अमाउंट का टारगेट रखिए, या तो फिर आप यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू का टारगेट रखिए, बट जो भी है आपको वहाँ पे 1500 रुपये लगा के 500 मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा टारगेट एक लॉट में आपको मिल रहा है, ओके। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको इस स्ट्रैटेजी को करना है, और निफ्टी में भी वर्क होती है। देखिए ये और एक एक्सपायरी है निफ्टी की, तो यहाँ पे देखिए 51 का जो पुट है वो 93 हो चुका है, और यहाँ पे 51 का जो कॉल है वो 29 हो चुका है, मतलब आप देख सकते हो जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे 496 का प्रॉफिट यहाँ पे टोटल हमें बन रहा है। दोस्तों आगे जाने से पहले और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है
उसने भी आज कमाल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों में हम लोग ने इसे डिप्लॉय किया है। सुबह सुबह स्टार्ट बटन दबा के हमें इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करना पड़ता है और आप देख सकते हो यहाँ पे करीब करीब सेलिंग में हम लोग ने 1184 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है और ऑप्शन बाइंग में 2078 का प्रॉफिट बुक किया है। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए कल भी मेरे ख्याल से मंडे को भी इसमें टारगेट हम लोग ने बुक किया था, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मंडे के दिन भी हम लोग ने टारगेट बुकिंग किया था और उसके बाद देखिए आज भी यहाँ पे अच्छा टारगेट मिल चुका है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मार्केट में सडन मोमेंटम अपसाइड और डाउनसाइड आती है लेकिन एल्गो ट्रेडिंग उसको कैच कर लेता है। एल्गो ट्रेडिंग हमारी एंट्री वहाँ पे बना देता है। एल्गो ट्रेडिंग मतलब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, इसमें मैन्युअली कोई ट्रेड हम लोग पंच नहीं करते, कंडीशंस डाली गई है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड लेता है, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ कंडीशंस इसमें फिक्स्ड होती है। अब दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको भी डिप्लॉय करना है, मैं यहाँ पे अपस्टॉक्स का मेरा अकाउंट शो करता हूँ पहले आपको। ये देखिए ये मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है जिसमें भी आप सेम ट्रेड्स को देख सकते हो। तो आप भी अगर इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना चाहते हो तो सबसे पहले जो नंबर अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है उस नंबर पे आपको मैसेज डालना है रोबो एल्गो करके। अगर आप रोबो एल्गो मैसेज करते हो तो मेरी जो टीम मेंबर है वो आपको कांटेक्ट करेंगे और इस स्ट्रैटेजी के बारे में जो भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई, कॉल और पुट की क्या स्ट्रैटेजी कैसे करनी है। बाकी अगर आपको कोई डिटेल्स जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज की स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके के कुछ नॉलेजेबल कॉन्टेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कॉमेंट्स में लाइव ट्रेड लिखिए अगर स्ट्रैटेजी के ऊपर लाइव ट्रेड चाहते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच और जय हिंद।